फ्रेंड्स आज मैं विदाउट अस्तर का हाफ कॉलर ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग और सिलाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो टोटल फैब्रिक मैंने लिया, यहाँ पे लगभग 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है। इस फैब्रिक का चौड़ाई थोड़ा कम है, इसका चौड़ा है 45 इंच। तो अभी इसी फैब्रिक से मैं पूरा ब्लाउज कटिंग और सिलाई करके दिखाऊंगी। पहले बैक पार्ट काटना है। बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे टू फोल्ड किया। इस साइड पे ओपन साइड है और यहाँ पे जॉइंट साइड है। लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है। तो लंबाई देखिए, मैंने यहाँ पे 14 इंच से एक सूत कम लिया, क्योंकि देखिए यार ये जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट है, विदाउट अस्तर का होगा तो सिलाई करते वक्त हल्का सा खिंचाव होगा और इसका लंबाई ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण मैंने एक सूत लंबाई यहाँ पे कम लिया। तो लंबाई मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया, आपको अपने हिसाब से लेना है। और ये जो ब्लाउज है इसका साइज होगा अपर चेस्ट के हिसाब से 33 इसका अपर चेस्ट है। अभी शोल्डर देखिए, मैंने 7.5 इंच लिया। जितना आपका शोल्डर होता है उसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद सिलाई मार्जिन के लिए आपको यहाँ पे हाफ इंच ऐड करना है। अभी यहाँ से देखिए आपको 1.25 इंच, 1 इंच से 2 सूत कम आपको यहाँ पे जरूर डाउन कर लेना है। अभी यहाँ से देखिए हमें आर्म होल के लिए लेना है, मैं यहाँ पे 6 इंच आर्म होल के लिए लिया। आपका ब्लाउज 34 हो 35 हो, इसी मेजरमेंट पे आपको आर्म होल रख देना है। अगर 36-38 होता है और आर्म होल थोड़ा ज्यादा है, उस टाइम पे आपको 6 इंच से थोड़ा सा 2 सूत ज्यादा लेना है, तब बराबर हो जाएगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा आर्म होल लूजिंग चाहिए, उस टाइम पे आप 6.5 इंच ले सकते हो। नॉर्मली फिटिंग चाहिए तो आप इतना लीजिएगा। अभी यहाँ से देखिए छाती का चौथा हिस्सा 8 इंच से लगभग 2 सूत यहाँ पे ज्यादा है। अभी इसके साथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर किसी को अंदर बहुत ही कम फैब्रिक रखना है, उस टाइम पे मिनिमम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। टोटल जितना है उससे मैं यहाँ पे 1.5 इंच कम करके कमर के लिए मेजरमेंट रख दिया। अभी देखिए आर्म होल का शेप देना है, यहाँ पे लगभग 2 सूत के आसपास, 1 सूत या 2 सूत से आपको अंदर की तरफ से आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड से लेना है। नेक का चौड़ा देखिए, मैंने यहाँ पे 2.75 इंच लिया। अगर आपको थोड़ा सा और भी फैला हुआ चाहिए तो आप 3 इंच ले सकते हो। अगर किसी को बहुत ज्यादा फिटिंग चाहिए, उस टाइम पे आप 2.5 इंच ले सकते हो। और 34-35 अपर चेस्ट के हिसाब से अगर करना है, उस टाइम पे आप 2.75 इंच से 3 इंच लीजिएगा। अगर 36-37-38 उस टाइम पे आपको 3 इंच या 3 इंच से 2 सूत ज्यादा लेना है, या 3.5 भी ले सकते हो। 3.5 इंच लेना है, थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ रहेगा, लूजिंग रहेगा, आपको उसी तरह पसंद होता है उसी तरह ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2.75 इंच लिया। अभी इसको नीचे की तरह आपको 1.5 इंच डाउन करना है। इसको ऐसे ही शेप देना है। अभी इसको देखिए इसके साथ मिलाना है। टक्स के लिए 5 इंच पे देना है। ऊपर की तरफ हमें 5.5 इंच उठाना है, हो गया है। अभी इसको काट कर लेना है। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद आपको स्लीव्स की चौड़ाई के लिए यहाँ से मेजरमेंट लेना है। देखिए यहाँ से लगभग 7.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 7.5 इंच पे रखूंगी। अभी इसके साथ आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 8 इंच स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमें 8 इंच है, थोड़ा सा फेब्रिक यहाँ पे कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कम होगा, अंदर की तरफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी लंबाई लेना है, लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 6 इंच पे लंबाई रखूंगी। यहां से 3.5 इंच नीचे की तरफ लाना है। अभी इसको तिरछा करके मिलाना है, देखिए। फिर यहां से हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ से लेना है 2.5 इंच। हो गया है। और आर्म होल पे यहाँ पे तिरछा कर लो, हो गया है, और कुछ भी नहीं करना है। कटिंग करने के बाद आपको फ्रंट के लिए जरूर आर्म होल का शेप देना है। लगभग यहाँ पे 3 सूत आपको शेप देना है। जिस साइड पे फ्रंट के लिए हुआ है हल्का सा काट लाके रख देना है।
अभी देखिए जो बैक पार्ट मैंने काट किया था इसको इस तरीके से रखना है। अभी इसके हिसाब से हमें चार ओर निशाना लगा लेना है। लगाने के बाद इसको हटा लेना है क्योंकि ब्रा काट होगा, ब्रा काट जिस तरीके से होता है सेम तरीके से इसमें कटिंग होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ तक बैक पार्ट था लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग होता है जिसके कारण सिलाई के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, कोई भी साइज का हो इसी तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको फ्रंट नेक डीप लेना है, ये 7.5 इंच लेना है, इससे आपको कम नहीं लेना है। अब इसको सीधा पहले नीचे की तरफ लेके आना है। अभी 34 हो, 35 हो, 36 हो, तरीका आपको नेक का यहाँ पे सेम रखना है। तो यहाँ से नेक का चौड़ाई थोड़ा आपको ज्यादा लेना है। यहाँ पे देखिए मैं 2.75 इंच रखूंगी, आप चाहे 3 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो, तो मैंने 2.75 इंच लिया। अब इसको शेप देना है, तो शेप देखिए यहाँ पे आप चाहो तो मेजरमेंट करके भी दे सकते हो, 5.5 इंच या 5 इंच, या ऐसे भी आप नॉर्मल तरीके से शेप लेके आ सकते हो, या चाहो तो और भी नीचे की तरफ से फैला हुआ दे सकते हो। यहाँ पे आपको जरूर थोड़ा सा फैला हुआ के देना है, आप चाहो तो और भी फैला के दे सकते हो। अभी देखिए यहाँ से शोल्डर से नॉर्मल जैसे होता है 6 इंच पे बस्ट पॉइंट के लिए मेजरमेंट लेना है। दोबारा से यहाँ पे आपको 4.5 इंच पे और एक निशाना देना है। अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है जैसे 5 फुट 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, उस टाइम पे आपको पहले 6 उसके बाद 6 इंच इस तरीके से आपको रख देना है। अभी यहाँ पे देखिए कटोरी के लिए आपको मेजरमेंट लेना है, आपको अपनी कटोरी के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 7.5 इंच रखूंगी, जितना मिला है उसको हाफ कर लेना है। यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हो, 1 इंच से 3 सूट ज़्यादा भी ले सकते हो, 1 इंच से 2 सूट ज़्यादा भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा उभर हुआ शेप चाहिए उस टाइम पे आप 1 इंच से 3 सूट ज़्यादा लीजिएगा, नॉर्मल शेप चाहिए तो 1 इंच से 2 सूट ज़्यादा लीजिएगा। यहाँ पे हल्का सा आपको दबा के देना है ऐसे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। यहाँ पे आप चाहो तो 5 इंच 5.5 इंच कहीं से भी आप मिला सकते हो। तो मैं देखिए 5 इंच से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूंगी, इस तरीके से इसको मिला देना है। आपको अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे लेना है। अगर आप चाहो तो 5.5 इंच तो 5.5 इंच से भी ये दे सकते हो, देखिए ऐसे कहीं से भी दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हो गया है। और अगर आपको यहाँ पे इतना फैला हुआ नहीं देना है, किसी को और भी छोटा चाहिए तो आप छोटा कर सकते हो, देखिए ऐसे इतना भी दे सकते हो। कोई के है जिनको ज्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए वो ऐसे दे सकते हो, देखिए इस तरीके से, तो अब यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे और भी नीचे की तरफ से शेप लेके आना है वो भी आप दे सकते हो। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है और यहाँ से लगभग 3 सूत के आसपास बाहर की तरफ लेना है और इसको तिरछा करके मिला लेना है, क्योंकि डायरेक्ट फेब्रिक पे काटिंग होता है जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें 4 इंच पे लेना है, 4 इंच नहीं चाहिए फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया, इस साइड पे 1/2 इंच, और जितना ऊपर की तरफ होगा सेम नीचे की तरफ आपको लेके आना है। यहाँ से 1.25 इसको तिरछा करके मिलाना है, हो गया है। अब इसको हाफ करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है, ऐसे सीधा नहीं रखना है, इसको ऐसे तिरछा कर देना है। बेल के लिए बैक पार्ट लेना है, इसकी चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे लेना है। यहाँ से देखिए 4.5 इंच रखना है, ये भी ज़्यादा है, हमें 3.5 इंच लेने से हो जाता है। हल्का सा यहाँ पे तिरछा करना है। अभी यहाँ पे देखिए 4.5 इंच है और इस साइड पे लगभग 5 इंच से 2 सूत ज़्यादा है, और इस साइड पे रखूँगी मैं 5 इंच, इतना तक रखूँगी। यहाँ पे चाहूँ तो और भी थोड़ा सा यहाँ पे कम कर सकती हूँ, हल्का सा।
अब इसको कट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज रह गया है, मुझे ध्यान नहीं था, ये फ्रंट के लिए आपको यहाँ से हल्का सा शेप देना है, मुझे बात करते करते ध्यान नहीं है। तो 6 इंच यहाँ तक था, इसको सीधा ऐसे लाना है और यहाँ से देखिए 1.25, ये मैंने गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ऐसे देना है। फिर इसको देखिए यहाँ से घुमा के आपको ये शेप हो गया है। अब यहाँ से हमें कॉलर के लिए काटना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी कैनवास नहीं लगाऊंगी। देखिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे फोल्ड फोल्ड किया। अब इसका लंबाई देखिए मैं 6.5 इंच रखूंगी, सिलाई मार्जिन लेके 6.5 इंच। और यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो, जितना चौड़ाई में देना चाहते हो आप उसी हिसाब से दे सकते हो। तो मैं 1.25 इंच रखूंगी। इस साइड भी 1.25 इंच। अब यहां से देखिए सीधा आपको ऐसे कर देना है, यहां पे और कुछ भी नहीं करना है। मिडल पे हल्का सा काट ला के रख देना है, हो गया है। तो इसके अंदर आप कैनवास देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अंदर की तरफ नॉर्मल अस्तर लगा लूंगी, तब सॉफ्ट रहता है, मैं यहाँ कोई भी कैनवास नहीं लगाऊंगी। आप इसके अंदर चाहो तो कैनवास या बकरम दे सकते हो, उसी हिसाब से भी काट सकते हो, लेकिन ब्लाउज पे कैनवास देने का जरूरी नहीं होता है। अंदर की तरफ आप नॉर्मल कॉटन का अस्तर लगा दो तब भी हो जाएगा। पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग हो गया है, अभी हमें सिलाई करना है। पहले हमें यहाँ पे कॉटरी सिलाई कर लेना है। किस तरीके से इस ब्लाउज का सिलाई करना है नेक्स्ट वीडियो पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी, तो सिलाई का वीडियो जरूर देखना। और ये जो ब्लाउज है किस तरीके से कटिंग करना है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन रहता है आप लोग जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।